दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, स्टोर करने वाली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। तो ये मैंने ले लिए हैं 1 kg आम। तो 1 किलो मैंने आम लिए हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से हमने धो लिए था इनको, और धो के अच्छे से पोंछ लिया, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और अब इसको हम अच्छी तरीके से छील लेंगे। तो हम यहाँ पर पीलर का जो छीलने वाला होता है वो ही उसका इस्तेमाल करेंगे, चाकू से कोशिश करेंगे ना छीलें। और ये बहुत पतला सा और बहुत अच्छा सा ये छील के तैयार हो जाता है। और आप इसको बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इवन ये कई कई साल तक चल जाता है अगर आप इसको बहुत अच्छे से रखते हैं। और आप बिल्कुल ही इसको दाल में डालिए, सब्ज़ी में डालिए, ये बहुत अच्छा खाने में लगता है। तो ये आम की खटाई हमारे यहाँ पर अक्सर बनाई जाती है। तो आम की और रेसिपीज़ लॉन्जी वगैरह हमारे चैनल पे है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर उसको भी चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से छील लिया है, और जो ऊपर की जो जहाँ से डंडी लगी होती है उसको तो ज़रूर ही निकालना होता है। और ये देखिए, बिल्कुल कच्चा कच्चा आम है ये, और बिल्कुल भी इसमें जाली नहीं पड़ी है, और अंदर से ये बिल्कुल मतलब कि सॉफ्ट कुठली निकली है इसकी। तो ये हमने बिल्कुल निकाल दी है, और इसको अब बिल्कुल भी धोना नहीं है हमें। और अब इसको हम इस तरीके से पीसेस में कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े आम हैं तो मैं इनको दो दो पीस कर दूँगी, क्योंकि ये अगर हम दाल या सब्ज़ी में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा कर देगी। तो आप उसके हिसाब से फिर इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो एक आम में से दो दो पीस भी कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपके यहाँ पे लगता हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए, इनको हम अच्छी तरीके से 2 दिन की धूप में सुखा देंगे। तो ये मैंने लिया है एक जाली, जो कि हम गेहूँ छानने में और चावल छानने में घरों में अक्सर होती ही है, उस पर मैंने रखा है कॉटन का कपड़ा, और उसको अच्छी तरीके से एक साफ कॉटन के कपड़े पर हम इसे डाल देंगे। एक एक करके इस तरीके से हमें पीसेस को रखना है, ताकि इसमें गैप भी रहे और इसमें अच्छे से धूप भी लग जाए। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती तो आप अपने रूम में भी पंखे में सुखा सकते हैं। तो रूम में सुखाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 से 4 दिन लग जाएंगे, पर आपको ये अच्छे तरीके से सुखा लेना है। धूप आती है तो धूप ज़रूर लगाइएगा। तो मैं इसको इसी तरीके से पीसेस में करके रख दूँगी सारे पीस को, और बहुत अच्छे से ये सूख जाएगा, फिर हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। उससे पहले चलिए एक मसाला बना लेते हैं, जब तक वो हमारा आमी सूख रही है। ये लिया है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून सूखा धनिया, जो कि जिसे कोरिएंडर सीड भी बोलते हैं और अखा धनिया भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। और 3 से 4 चम्मच लिए हैं मैंने यहाँ पर जीरा, साबुत जीरा लिया है, और यहाँ पे 3 से ही 4 चम्मच मैंने लिया है मेथी दाना। इन्हें भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। बस हमें यही मसाले चाहिए, क्योंकि ये बना रहे हैं हम कच्चे आम की अमियाँ, जैसे कि अमरक भी बोला जाता है यूपी में कहीं कहीं पे, तो हम इसको बोलते हैं आम की खटाई। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसको अरहर की दाल में बना के रखिए, डालिए, और आप इसको सब्ज़ी में किसी में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और अब जी, ये हमने 2 दिन बाद जब हमारी अमियाँ अच्छी तरीके से सूख गई है आम भी, तो हम इसको हमने पानी थोड़ा सा 1 गिलास पानी लेके उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म होने के लिए होने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी आम भी। इसको हम बेसिकली, हमें सिर्फ इसकी गंदगी निकालनी है, क्योंकि धूप वगैरह में सुखाते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, तो थोड़ी सी ये साफ़ हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे हम रख देंगे सरसों का तेल गर्म होने के लिए। सरसों का तेल हमें बहुत अच्छे से गर्म करके लेना है, ताकि इसका जो एक कच्चापन होता है वो निकल जाए। और इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी हींग, यहाँ पर अच्छी तरीके से हींग को भी हमें पका लेना है। और फिर उसके बाद में अब हम गैस कर देंगे बंद, और मसाले डालेंगे जो हमें अभी ऐड करने हैं इसमें। तो यहाँ पर ये सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म होके ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच अच्छे से हल्दी, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रीबायोटिक
जो हमारा मतलब कि ये प्रोटेक्ट करेगी हमारी अमिया को। और ये देखिए मैंने छान के अमिया को आंबी को ले लिया है और बहुत अच्छे से इसको हम तेल में मिला लेना है। और उसके साथ में ही जो हमने मसाले भुने थे वो भी ले लिए हैं। और यहीं पे मैंने कुछ लाल मिर्चें भी ऐड कर दी थी, उनको भी मैंने उसी मसाले के साथ में पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए हमें, ये हमें थोड़ा दरदरा ही चाहिए। और ऊपर से हम डाल देंगे इसमें अब नमक। नमक भी प्रोटेक्ट करता है किसी भी अचार को, आंबी को बहुत अच्छे से। और आपको ये लग रहा होगा कि ये मसाला या तेल ज़्यादा है, नहीं जी, ये सूखेगा जब हमारी आंबी तो ये बहुत अच्छा से इसमें रम जाएगा और बहुत अच्छे से ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। आशा करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।